शिमला जिला के किन्नौर क्षेत्र के उन्नी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखे अलग अलग क्षेत्रों के कोरोना वायरस के समय आए कुछ युवकों से सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर कर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इंतजाम की पोल खोल कर रखती है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि प्रदेश में सभी जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए थे कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के रखरखाव को लेकर पूरी तैयारी करें, लेकिन इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार तक की पोल खोलकर रख दी है। हेलो, मायसेल्फ ललित नेगी, बेसिकली आई एम फ्रॉम अपर किन्नौर एंड आई एम डूइंग जॉब इन नालागढ़, हिमाचल प्रदेश। 25 को हमें घर आना था, तो हम घर आए और हमें, जबकि हम हिमाचल टू हिमाचल ही आए हैं, बट यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग भी रेड अलर्ट एरिया में आते हो। चलो, इट्स ओके। उन्नी हमें क्वारंटाइन रखा है 25 से यहाँ पे उर्नी में, बट यहाँ के जो प्रशासन है बहुत बेकार लगा है हमें। सभी की ये कंप्लेंट आ रही है। सबसे पहली बात तो हमें एक कमरे पे रखा गया है। ये लड़का है, ये आया है राजस्थान से, और वो भैया है, ये आए हुए हैं चेन्नई से दो, और उस साइड आए हैं हमारे चंडीगढ़ से। ठीक है, चलो, ये इट्स ओके। बट यहाँ पे सफाई के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है, कोई यहाँ पे सफाई करने नहीं आता है। हमें 3 दिन हो गया है यहाँ पर और कोई सैनिटाइजेशन नहीं दिया गया है, कोई भी सैनिटाइज यूज़ करने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ये है, सुबह मेरी पुलिस मैम से भी बात हुई थी, हमने बोला था कि हमें धूप सेकना है, हमें मॉर्निंग वॉक करने जाना है, बट उन्होंने हमें साफ बोला था कि ये जो आपको आगे दिख रहा है टेबल लगा हुआ, यहाँ से आगे नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है और नीचे कहीं नहीं जाना है, जबकि यहीं ऊपर बढ़िया धूप लगता है ताकि हम धूप सेकें। आप लोग को पता ही है कि कोरोना वायरस को गर्मी से ही रोका जा सकता है। दैट्स वाई हमने बोला था कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए भेजा जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट अप्लाई किया जा सकता है, पहले इस फ्लोर वालों को भेजिए, फिर उससे नीचे वालों को, वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ प्रॉपरली। बट यहाँ पे सफाई कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो बाथरूम है वो एक ही है, जहाँ पे हमें बोला गया है कि तुम्हें बर्तन भी यहीं धोना है, यहाँ पे बर्तन भी धोना है, नहाना भी यहाँ है और टॉयलेट भी यहाँ है, जबकि यहाँ पे पूरा बदबू ही बदबू है, कोई सफाई करने कोई कुछ नहीं आता है, यहाँ पे कोई स्वीपर नहीं लगाया रखा है, और बर्तन भी हमें यहीं पे धुला रहे हैं। इससे तो ज़्यादा ज़्यादा वायरस फैलने का खतरा है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उर्नी में प्रशासन ध्यान दे और हाथ धोने का मतलब पूरा व्यवस्था हो, सैनिटाइज, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, इस टेबल पे रखा जाए, सबको प्रॉपर बताया जाए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ना यहाँ पे सफाई वाले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो ये चेन्नई से आ रहे हैं, जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं, इन्हें अलग अलग रूम पे रखा जाए। हम तो हिमाचल टू हिमाचल आ रहे हैं, अब जिसको नहीं होना होगा उसको भी हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि सुबह ही एक शिकायत आई थी कि हमें अंदर ही अंदर रख रहे हैं, धूप सेकने भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे कुछ एक दो साथी है, उन्हें वायरल हो गया था, जस्ट सिंपल वायरल की ठंड से, ठंड की वजह से। अगर इन्हें धूप सेकने दिया जाता तो ऐसा नहीं होता, तो इससे खतरा है सर। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ध्यान दें सर थोड़ा। थैंक यू। भारत 9 के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट।